नमस्कार, मैं सनी मेहर और आप देख रहे हैं LTT न्यूज। ठीक है साहब, आपने कल जो रामपुर में गेहूं का मुद्दा उठाया था उस पर कल प्रशासन ने ये दे दिया कि वो सारे मामले झूठे हैं और उसमें हसीब के नाम से ही उसके ऊपर लगाया कि सारे इल्जाम झूठे हैं। नहीं, हसीब का तो कोई मतलब नहीं भाई, हमने जांच के लिए कहा, आप उनकी जांच करवा लो। झूठे हैं तो विवेक खसरा नंबर झूठे हैं। गेहूँ नहीं तुला, जो मंसूरी धान तुलता है वो कहाँ से आता है, उसकी जांच कर लो। सरकार बचने की वो ना करें, ना सरकार बच सकती, ना अधिकारी बचेंगे। तो मतलब ऐसे ही कह दोगे क्या झूठे हैं? देश में कोई एजेंसी तो होगी, ये झूठे कैसे हो जाएंगे? वे खसरा नंबर झूठे हैं, वे सड़क के खसरे नंबर जो दे रखे हैं झूठे हैं। धान कहाँ कहाँ से आने का तुल रहा वो झूठा है, कैसे झूठा हो जाएगा? ऐसे थोड़ा कहने से झूठा हो जाएगा। गेहूँ के केंद्रों पर जो कहा था कि ये फर्जी केंद्रों पे गेहूँ बेचेगा, उसको लेकर कहा कि नहीं सब गलत है, ये सब गलत आरोप है, सही बेचा गया गेहूँ? कोई सही नहीं बिका भाई, हम फिर भी तो कह रहे हैं ना, धान सही बिकता ना गेहूँ सही बिकता। और हम यही तो कह रहे हैं कि उस पर कानून बना दो आप भाई। किसान अपना 40 क्विंटल गेहूँ बेचने में लाइन लगानी पड़े, व्यापारी 10,000 क्विंटल बेच दे, वह मंडी हमको भी बता दो भाई, ये किसान भी वही बेचने का लगा। रामपुर भ्रष्टाचार का नंबर एक का अड्डा है MSP का। यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग है, यहाँ से ट्रेनिंग शुदा लोग जाते हैं, उन्हीं लोगों के कब्जे हैं उस पे। 11,000 अपने फर्जी किसानों के नाम यहाँ पे खाते खोल ले गए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पे है। उन व्यापारियों ने एक फोन करा, नंबर लिया, OTP उसी नंबर पे लिया, सिम कार्ड फेंक किया और उस OTP के उससे रजिस्ट्रेशन हुआ और उस पर गेहूं को धान की खरीद होती है। टिकट